जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। जितना भी कंटेंट था वो मैंने करवा दिया, उसमें जो बीएससी का टॉपिक था मैट्रिक्स का वो भी मैंने करवा दिया। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उसका लिंक जो है सीरीज़ का वो नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी सीरीज़ देख सकते हो। हमने अप्रोक्सीमेट 26 लेक्चर कर लिए हैं और इन सभी लेक्चर में से अगर आपने ये लेक्चर लगवा लिए तो आपका 16 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 26 हैं लेक्चर, बट उसमें क्या है, प्रैक्टिस और लेक्चर, सारे ट्रिक्स, प्रैक्टिस, लेक्चर, सारा कुछ एक साथ है, ठीक है? तो कंटेंट पूरा मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, कंटेंट पूरा मिलेगा, कोई भी मैं छोड़ूंगा नहीं। जितने भी टॉपिक हैं मास्टर कैडर के वो सारे ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 21। आज हम करेंगे अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस करेंगे, 21 से स्टार्ट करते हैं। 20th कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में, कर लिए थे 20 और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास पूछा गया ए बी एक मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया, वो क्या आएगी। जब भी बेटा प्रोडक्ट फाइंड करनी हो ना राजे, तो ए की बात आप ना उसका A11 एलिमेंट, उसके डायगनल एलिमेंट फाइंड करने स्टार्ट कर दिया करो। डायगनल एलिमेंट फाइंड अगर कर लिए, सपोज आपने डायगनल एलिमेंट फाइंड कर लिए और उसके रिलेशन जो दी हुई इक्वेशंस, जो दिए हुए आंसर है ना, उनके साथ आपने कंपेयर करना है किस पे वो एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। यहां पर A11 मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट का एलिमेंट निकालूं A11, तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास -1 -2 -1 एंड देन आ रहा है +6, देन आ रहा है हमारे पास -5। तो ये हमारे पास जीरो बन रहा है। अगर ये जीरो बन गया तो ये डेफिनेटली डायगोनल भी नहीं है, ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये नल मैट्रिक्स होगा और कोई आंसर नहीं होगा। अगर कुछ और आ रहा है तो मुझे बताना, वैसे आप चेक कर लो इसका यही बनेगा, ठीक है। एक एलिमेंट और चेक कर लेते हैं, A22 कैसे चेक करेंगे, ये वाली रो एंड ये वाला हमारे पास कॉलम आ जाएगा A22 में। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बन रहा है -4, देन बन रहा है -36, देन बन रहा है हमारे पास +40, बन गया जीरो। डायगोनल में सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, दूसरे भी बनेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास और A5 हमने फाइंड करना है, पावर 5 फाइंड करनी है। डायगोनल में मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप यहां पर 5 कर दो पावर, सिंपली एलिमेंट के ऊपर पावर 5 कर देना, तो वही उसका आंसर होता है 2^5, 32 होता है। अगर आपने 2^10 तक नहीं याद की हुई तो उसका शॉर्ट ट्रिक मैं एक बता देता हूं, 2^6 है, यहां पर 6 है तो 64 आंसर आएगा, और बाकी आप छेती छेती जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2^10 है तो उसका 10 32 आएगा, ये 10 और ये 10 सेम है, ये 6 एंड ये 6 सेम है, याद करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, यहां पर 32 आ गया तो 32 कॉमन आ जाएगा। अगर 32 कॉमन निकाल लें, नहीं 16 कॉमन निकाल लें तो अंदर ए बच जाती है, अगर 16 कॉमन निकाल दें तो अंदर ए बच जाती है, अगर 32 कॉमन निकाल दें तो वो आइडेंटिटी बचेगी, 32A नहीं बचेगा। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा मोल्ड किया हुआ है। कहते बी क्या होगी सच दैट ए बी, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। एक बात ध्यान रखना, जीरो होने के लिए ना सबसे पहले इसका एक ट्रिक बता देता हूं, किसी प्रोडक्ट करते हो अगर कोई एलिमेंट हमारे पास 0 1 ऐसे है, एक चीज सुनना, बहुत मजेदार है, ट्रिक है, ये मुझे सत्या मैम ने बताई थी SCD कॉलेज वाले में। चलो जी, तो क्या है, यहां पर अगर आपके पास E1 है, E1 का मतलब वो है एक वेक्टर है जिसमें 1 0 0 एलिमेंट, फर्स्ट वाला 1 है, E1 का मतलब फर्स्ट वाला 1 है। देन E2 का मतलब है
जीरो वन जीरो, मतलब सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, वन है। देन ई थ्री का मतलब है हमारे पास, उसका मतलब है जीरो जीरो वन, ठीक है, मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या है, आंसर वन है। इस इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करोगे ना, इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तब भी जीरो आएगी। अब इसका इसकी ट्रिक क्या है, अगर आपके पास कभी भी मैट्रिक्स में ऐसे दिखे वन जीरो जीरो, ठीक है, तो उसका आंसर पता कहां पर मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा जहां पर आप देख रहे होगे ई वन, मतलब एलिमेंट जो फर्स्ट वाला है वो नॉन जीरो वन हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसका आंसर तब मिलेगा, अदरवाइज उसका आंसर जीरो होगा। अगर मैं करूं ना ई वन, मतलब फर्स्ट रो, यहां पर देखना ये मैट्रिक्स मैं बना लेता हूं वन जीरो जीरो, ठीक है, और एक ई वन ट्रांसपोज ले लेता हूं, जानबूझ के ट्रांसपोज बोल रहा हूं, आप समझ जाओगे, मतलब वन पे रखना है, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे ना तो आंसर वन आएगा, आंसर वन आएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये तभी आंसर ई आई एंड ई जे तभी आंसर देंगे वन, अगर ई एंड आई एंड जे इक्वल होंगे, आई एंड जे इक्वल होंगे, अदरवाइज ये आंसर क्या देंगे, जीरो देंगे। अब इसकी हेल्प से ना बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं मैट्रिक्स के, बहुत सारे क्वेश्चन जो वन वन जीरो जीरो के बेस पे होते हैं ना, वो सारे के सारे इसकी हेल्प से हो जाते हैं, अगर आपको इतना फंडा पता है। ये देखना, अगर मैं वन जीरो वन इसको लिखूंगा ना, इसको ऐसे ही लिखूंगा ई वन प्लस ई थ्री, आपको पता चल गया, यहां पर ई वन आ गया ना, ई वन आ गया तो ई वन, फिर प्लस कर दिया, ई थ्री भी आ गया तो ई थ्री प्लस हो गया। अगर यहां पर सपोज टू हो जाता, अगर सपोज टू हो जाता, इट मींस इसका मतलब और कुछ नहीं है, यहां पर टू मल्टीप्लाई हो गया, किसमें, ई थर्ड पोजिशन में। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब यहां पर वही चीज यूज करते हैं, यहां पर हम वही चीज यूज करते हैं, ये देखना इसका आंसर वो वाला नहीं होगा जहां पर ई, ये देखना इसको अगर देखोगे ई टू है, ये कितना है ई टू, अब इसका ट्रांसपोज मतलब ई टू डैश, देखो कहीं पर कॉलम देखना जिसमें ई टू डैश ना हो, ये है ओनली, इसमें ई टू ये बनेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है कॉलम में, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट अगर जीरो है तभी आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, चलो आप ये भी देख लो, यहां पर देखो सेकंड एलिमेंट है, यहां पर भी सेकंड एलिमेंट है, यहां पर भी सेकंड एलिमेंट है, यहां पर भी सेकंड एलिमेंट है, इट मींस यहां पर हमें आंसर मिलेगा, ठीक है जी, यहां पर हमें नॉन जीरो आंसर मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं, कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, जीरो वन जीरो जीरो है ना। अब इसको ये ई वन है, अगर ध्यान से समझोगे तो ये ई टू है, ई टू, और ये है माइनस ई वन, अगर आपने समझ लिया तो माइनस ई वन है ये। अब यहां पर मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करोगे जीरो, अगेन जीरो जीरो आ गया ना जीरो। तो जो मैंने बात बताई है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मुझे बताई थी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, एसीडी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, सत्या मैम ने मुझे बताई थी ये ट्रिक। चलो जी, अगर कोई सत्या मैम का स्टूडेंट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है आरटी, आपने आप हमारे पास जो है ये वाली मैट्रिक्स, मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी बहुत बार बताया, ये वाली मैट्रिक्स जो होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, इसको ना ऐसे लिखा करो आरटी, ठीक है, और वो कहते हैं आरटी एंड आरएस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आंसर क्या होता है, याद है हमने ये ट्रिक याद की है, ये दोनों प्लस में आ जाते हैं तो ये आंसर है, ठीक है। अगर यहां पर इसका इनवर्स पूछ लेना, इसका इनवर्स पूछ ले, कभी पूछ ले बाय चांस, इसका पूछ ले आंसर इनवर्स, तो वो क्या होता है, माइनस यहां से उठाओ यहां पर लगा दो, या इसको बोल देते हैं आर माइनस टी, इसका इनवर्स होगा आर माइनस टी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, ये ट्रिक्स हैं, पेपर में काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो कहते ए की वैल्यू आपके पास दी गई है, और ये हमारे पास एक ये है, और बी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो सिंपली रिजल्ट लगा के देख लो किस पे होल्ड कर रहा है ना,
सिंपली रिजल्ट लगा के देखो। वो कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनेगा, इनमें से सपोज मैं फर्स्ट एलिमेंट यहां पर जीरो लगाता हूं, यहां पर थ्री से मल्टी क्या करना है, ए को थ्री से, तो यहां पर मैं जानबूझ के ना जानबूझ के क्या करता हूं, यहां पर थ्री लिख देता हूं, और बी इनमें से कोई है तो बी इनमें से मतलब इन सभी को माइनस फोर से मैं करके देखूंगा, इन सभी को मैं माइनस फोर से करके देखूंगा। यहां पर देखना फर्स्ट एलिमेंट जीरो बन रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बनना चाहिए माइनस फोर, तो इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो बन रहा है, इट मींस ये तो गलत है, ये तो पहले ही पे ही फंस गया। इन दोनों को करो थ्री इंटू जीरो जीरो माइनस फोर, फर्स्ट एलिमेंट तो बन गया, सेकेंड चेक कर लो थ्री इंटू वन थ्री बन गया, थ्री भी बन गया, देन थ्री इंटू टू सिक्स भी बन गया, देन टू इंटू सिक्स ये भी बन गया, है ना। यहां पर चेक कर लेते हैं ये वाला थ्री नाइन नाइन और यहां पर माइनस फोर तो फाइव भी बन गया, इट मीन्स इसका जो आंसर है ना वो बी ही है, चेक कर लेना बी ही इसका आंसर आएगा, चेक कर लेना बी ही इसका आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर ये देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट में डिफरेंट है तो इट मीन्स ये तो नहीं आएगा, ठीक है, हमने ये वाले चेक कर लिए थे तो बी इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन पीछे भी मैंने किया था और इस बार भी मैं बता देता हूं, एक रिजल्ट बताता हूं, जर्नल रिजल्ट बताता हूं। वेट, यहां पर देखो अगर आपके पास मैट्रिक इस टाइप की है ए बी ए जीरो, यहां पर ऐसे है, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, इसमें ना क्या करना है ए की पावर इंक्रीज करनी है, ए की पावर इंक्रीज करनी है, ये ध्यान रखना है, ए की पावर इंक्रीज करेंगे वन आ गया, वन से टू आ गया, पावर वन है तो टू आ गया। यहां पर बी में ए की पावर नहीं है तो ए की पावर इंक्रीज करनी है तो पावर जीरो है उसमें, ए की पावर जीरो मतलब वन है तो मैंने ए की पावर वन कर दी, ए की पावर इंक्रीज की तो टू आ गया। अब यहां पर क्या है, दो टर्म्स यहां पर देखना, यहां पर पावर टू है तो यहां पर टू आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो अगेन देख लो, रिजल्ट समझ लो, पेपर में बहुत काम आएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ए की पावर थ्री, ठीक है, पावर कितनी करनी है, थ्री करनी है, अब पावर इंक्रीज करनी है, अगर टू है तो पावर कितनी इंक्रीज हुई, हमारे पास एक एक इंक्रीज होगी, अब दो दो इंक्रीज हो जाएंगी। अगर पावर थ्री करनी है, यहां पर देखना, अगर पावर टू की तो एक एक इंक्रीज की सभी की, अगर पावर थ्री करोगे तो टू इंक्रीज करोगे सभी की, इंक्रीज करने का मतलब है जितनी है उसमें टू और मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां पर कितनी होगी, यहां पर होगी डेफिनेटली, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ए की पावर थ्री बन जाएगी, ठीक है जी, यहां पर भी ए की पावर थ्री बन जाएगी, या ऐसे याद करना है इन दोनों की पावर सेम होगी, ठीक है जी, तो थ्री आ गई, यहां पर जस्ट एक पावर कम रखनी है बी, और यहां पर स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक पावर कम, और यहां पर हमारे पास तीन है तो ये थ्री एज इट इज आ जाएगा, ये थ्री एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं पूछ लूं आपसे, डायरेक्ट पूछ लूं ए टेन कितना आएगा, तो आप बताओगे ए की पावर टेन आ जाएगी, यहां पर भी ए की पावर टेन आ जाएगी, यहां पर जीरो आ जाएगा, यहां पर बी ए की पावर नाइन और टेन यहां पर आ जाएगा, है ना। ऐसे भी बोल सकते हो ए की पावर टेन का यहां पर डेरिवेटिव फिल होना है ना, टेन ए की पावर नाइन, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये वाला रिजल्ट ना बहुत बार यूज होगा, ठीक है जी, ये वाला रिजल्ट बहुत बार यूज होगा, और ये उसी पे लगेगा जिसमें ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, और ये वाला जीरो है, और ये टू क्रॉस टू के लिए मैंने बताया, ठीक है जी, ये टू क्रॉस के लिए मैंने बताया। एक और सुन लो, अगर ए एक मैट्रिक्स है जो रिवर्स ऑफ आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिटी में क्या होता है, वन 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 वन, यहां पर होते हैं वन, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी, यहां पर भी, बाकी सारी जीरोस, है ना, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर ए है आपका, अगर ए है, रिमेंबर कर लो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, अगर ए है रिवर्स, रिवर्स का मतलब डायगोनल ये वाला नहीं है, इस डायगोनल को बोलते हैं लीडिंग डायगोनल,
और दूसरा जो बनेगा डायगोनल वो क्या है, वन 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 एंड वन। उल्टा अगर डायगोनल है तो उसमें क्या है, ए का कुछ रिलेशन है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। उसमें ए का रिलेशन है वो समझ लो। तो अगर ए का रिलेशन समझना है तो ए स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर करोगे ना और कुछ नहीं, ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। चलो हम समझते हैं कैसे समझेंगे। ये देखना, ये है, ये जो फर्स्ट रो है ना, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो है वो है आई फोर, ठीक है, और यहां पर भी फर्स्ट कॉलम जो है वो आई फोर है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ गया, वन आ गया। आंसर क्या आ गया, वन आ गया। तो ये वन बन गया, ठीक है। सेम चीज फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करोगे, एक है आई फोर और यहां पर है आई थ्री, तो आंसर जीरो आएगा। मैंने अभी आपको जो ट्रिक यूज करवाई है वही कर रहा हूं। फर्स्ट रो में हमारे पास ई फोर है और यहां पर ई टू है, इट मींस यहां पर भी जीरो आएगा। यहां पर ई फोर है और यहां पर अगर देखोगे इस कॉलम में स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है तो ई वन है, इट मींस ये भी जीरो आएगा। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये वाला रिजल्ट जो है ये भी बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप पेपर दे रहे हो। पेपर में ट्रिक्स काम आएगी, आपकी नॉलेज कितनी भी आप रख लो वो इतना नहीं काम आएगा। नॉलेज भी काम आती है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। अगर मार्क्स आपने 140 प्लस लोगे जर्नल कैटेगरी के लिए तो अप्रोक्सीमेट 135 प्लस होने चाहिए, ठीक है। लास्ट मेरिट 125 और 118 तक भी गई है, मतलब अप्रोक्सीमेट 120 वाले भी लग गए हैं। बट हमें थोड़ा ध्यान रखना है, हमने जर्नल कैटेगरी के लिए जो है वो मार्क्स थोड़े ज़्यादा चाहिए, ठीक है जी। तो चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पावर फोर है ना, तो पावर फोर में यहाँ पर फोर आ जाएगा, यहाँ पर फोर आ जाएगा, और वन की पावर थ्री और यहाँ पर हमारे पास फोर आ जाएगा। तो ये क्या बना, ये भी, ये तो नहीं बना, पावर फोर तो नहीं हुई, ये बनी है ना। वन की पावर फोर करेंगे वन आएगा, वन की पावर फोर करेंगे वन आएगा, वन की पावर थ्री साथ में होता ही है ना, वन की जितनी भी, और फोर आगे मल्टीप्लाई में आना है, ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। मैंने फिर भी टाइम लगा दिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वो कहते ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मल्टीप्लीकेशन में है, लग नहीं दे, ठीक है, ये इसके साथ चिपका हुआ है। चलो जी फेविकोल के साथ, तो x की वैल्यू रखनी है सच दैट आंसर ये बने, ठीक है। तो आंसर को अगर मैं जज करूं तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है सभी का डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट से। तो फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, तो नहीं बन रही, या बन रही है, 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 चेक करना इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ये बन रही है, फाइव बन रही है। किन दोनों की, इस वाली मैट्रिक्स की और इस वाली मैट्रिक्स की, चेक करो बन रही है। फर्स्ट रो कॉलम आंसर क्या आया, 9 + -9 + 14 5 बनेगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट बन गया। सेकंड देखो, अब 3 × 4 = 12 माइनस, ये भी बन गया, दो एलिमेंट बन गए, दो एलिमेंट बन गए सभी के, ये दो अलग हैं, ये दो एलिमेंट सभी के अलग हैं, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। अब सेकंड एंड फर्स्ट 20 इधर एंड इधर आना था, है ना, -12 प्लस के, ये भी बन गया। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला ही है, अगर आपका कुछ और आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं भी सही कर लूंगा। तो यही आंसर है वैसे। वो कहते ए एंड बी हैं आपके पास, ए माइनस बी फाइंड करना है, इन सभी का एलिमेंट चेक कर लो। यहाँ पर दोनों की माइनस करनी है, 5 - 6 दैट इज -1 और -1 यहाँ पर ही है, बी आंसर आ गया, कहानी खत्म। जल्दी जल्दी आगे आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 29th क्वेश्चन है हमारे पास, कहते 3x + 2y = आइडेंटिटी। यहां पर एक बात मैं बता दूं, ये ना आप ये हैं मैट्रिसेस बट आप ना इसको सिंपली सोल्व कर लो, सिंपली सोल्व करोगे तो इसका ना आंसर आ जाएगा। और
आंसर में आपने जो गड़बड़ करनी है वो मैं वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर देखना y क्या है, x का डबल है, मतलब y की जगह पे 2x पुट कर सकते हैं, तो पुट करोगे आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/7 आ गया। ये स्मॉल x होता है, बट कैपिटल x में 1 नहीं होता, साथ में आइडेंटिटी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पर देख लो आइडेंटिटी 1/7 कहां पर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बाकियों पे 1 है, आइडेंटिटी नहीं है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जानबूझ के, ये सिंपल इक्वेशन लग रही हैं बट है मैट्रिसेस। यहां पर देख लो ये लिखा हुआ मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिसेस में मैट्रिक्स 1 कभी भी नहीं आता, सिंगल 1 नहीं आता, मैट्रिसेस ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो कहते हैं इसका आंसर बताओ, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको मत सोल्व करो, आप क्या करो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, वो क्या होती है, उसमें होता है इसकी पावर, यहां पर क्या है 2x2 है, तो डेफिनेटली ए स्क्वायर ए एंड आई बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। यहां पर होता है माइनस के ट्रेस, यहां पर होता है प्लस के डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये मैट्रिक्स, ये एक वे याद कर लो लिखने का, यहां पर ट्रेस, यहां पर डिटर्मिनेंट, कहानी खत्म, सामने इक्वल टू जीरो, सामने इक्वल टू जीरो। अब ट्रेस चेक करो, ट्रेस क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, ट्रेस होता है डायगोनल का सम, तो वो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, इट मींस ए के साथ जो एलिमेंट आएगा ना वो 5 आएगा। और डायगोनल अगर डिटर्मिनेंट की बात करूं वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 4+2 दैट इज 6, तो यहां पर आ गया हमारे पास प्लस के 6 आइडेंटिटी, और ये इक्वल टू किसके है, 0, और ये दोनों इक्वल हैं, ध्यान से देख लो, यहां पर प्रोडक्ट करोगे कितना बनेगा, माइनस के प्लस के 6 आइडेंटिटी बनेगा, दैट इज सामने क्या आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ये जो मैंने मेथड लिखाया है ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना, ये आपको हेल्प करेगा फाइनल पेपर में। जो मैंने अभी मैट्रिक्स बताई थी उसका डायगोनल का रिवर्स है, इट मींस इसका ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, और ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए 4 होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए 4 होगा, तो ए 4 होगा, यहां पर भी आइडेंटिटी, यहां पर भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बन गया, आइडेंटिटी ही बनेगा, तो ये ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन आ गई। अगर कुछ और हुआ तो मुझे बता देना, मैं भी सही कर लूंगा, वैसे यही सही है, फिर भी अगर कोई कोई भी कंफ्यूजन हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो कहते हैं इसका ए स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर सिंपल है, अगर आप ए स्क्वायर निकालना चाहते हो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगी, 3-1 दैट इज 8, 8 आएगा, तो 8 8 आएगा, सभी का ही 8 है, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा एलिमेंट चलो देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 3x1 एंड 1x2 3, 3x1 एंड 1x2 दैट इज 5, तो यहां पर 5 बनना है, तो यहां पर 5 तो एक ही का बन रहा है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कहते पावर एन निकालनी है, पावर एन निकालने की जरूरत नहीं है, एन को 1 पुट करो, पहले सबसे पहले एन को 1 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है, तो किस किस में सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लो, ये तो टाइम सीरीज चला गया है ना, यहां पर एन को अगर मैं 5 पुट करूं 4 बन जाएगा, बट 1 में तो -4 है, तो ये तो टाइम से ही चला गया, और यहां पर 1 पुट करूं यहां पर तो चलो सही है, ठीक है जी, तो ये एक हमारी ऑप्शन जो है खत्म होगी, किल होगी। अब एन को 2 पुट कर दो, एन को 2 पुट करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9-4 दैट इज 9-4 दैट इज 5, तो 5 बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 पुट करोगे आंसर 5 बनेगा, यहां पर 6 बन रहा है और यहां पर 9 बन रहा है, तो ये दोनों भी गई, ये दोनों भी गई, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। अगर आपका कोई मैच कर रहा है तो मुझे भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर फाइंड करना है, डायगोनल डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर तो सीधा अलग अलग हो जाता है,
आई स्क्वायर आइडेंटिटी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो कहते ए बताना है, क्या बताना है, ए बताना है। तो सबसे पहले ए फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, इसको टू से मल्टीप्लाई करके टू बी आ जाएगा, यहां पर भी टू आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बी कट गया है ना, बी कट गया। और हमारे पास ये है, ये कितने, टू ए, टू ए प्लस ए, थ्री ए हो गए हमारे पास। थ्री ए का सम क्या आएगा, सिंपली प्लस करना है, सिंपली क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस वन दैट इज वन, ठीक है, वन बाई थ्री फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगर आपकी कुछ और आ रही है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या फाइंड करना है, वो कहते ए बी फाइंड करना है ना, ए बी फाइंड करना है। और यहां पर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे वन आ जाएगा, वन आ जाएगा तो ये तो गलत है, वन आएगा भाई, वन आएगा तो ये भी गलत है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे, देन फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे। यहां पर भी आप वो जो मैंने मेथड बताया था वो लगा सकते हो। ये क्या है, अगर ये समझोगे ना, ये क्या है, ये ई वन प्लस ई टू है। अब जिसमें दोनों में से कोई एलिमेंट हुआ तो आंसर आएगा डेफिनेटली। तो यहां पर क्या है, ये है ई टू, इट मीन्स इसका भी आंसर आएगा। ये क्या है ई वन, इट मीन्स इस पे भी वन आएगा, इट मीन्स दोनों के एलिमेंट वन आएंगे, तो सी भी नहीं आएगा, और ए भी कट गया था, तो ये बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमने ए बी की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। और अगर मैं बात करूं यहां पर एलिमेंट जो डिफरेंट हैं वो क्या है, ये तो दोनों, आई थिंक ये दोनों में तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट डिफरेंट है। चेक कर लो, इन दोनों में ये एलिमेंट डिफरेंट है। मतलब अगर मैं थ्री वन निकाल देता हूं ना एलिमेंट, तो यहां पर क्लैरिटी हो जाएगी इन दोनों में से कौन सा आएगा। और ये बाद में देख लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इनमें से अलग है। तो मैंने ए कौन सा निकालना है, ए थ्री वन निकालना है। ए थ्री वन कैसे निकालोगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, आंसर कितना आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस टू आएगा, मतलब ये तो नहीं आएगी। अब फर्स्ट एलिमेंट चेक कर लेते हैं, इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट चेक करना, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अलग है। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे तो यहां पर वन इंटू टू टू एंड देन थ्री फाइव, फाइव एंड माइनस वन, नहीं फाइव एंड जीरो, तो फाइव बन रहा है, इट मीन्स ये भी गलत है, ये सही आंसर है, बी इसका राइट ऑप्शन है। अगर आपका कुछ और आ रहा है तो मुझे बता देना। ट्रिक यही है, आप जल्दी से जल्दी तभी करोगे जो डिफरेंट वैल्यूज से कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 38th में क्या है, यहां पर देखना, एक्स माइनस टू और सामने है वन, एक्स माइनस टू उधर जाके प्लस के वन बन, प्लस के टू बन जाएगा, प्लस के वन पहले ही है, तो एक्स की वैल्यू थ्री आएगी, तो ये तो नहीं आएगी एंड ना ही ये आएगी। इन दोनों में से देख लेते हैं वाई क्या आ रहा है, फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, वाई प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री माइनस वन दैट इज टू, इट मीन्स माइनस के टू आएगा, तो ये हमारा आंसर है बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पीड हमें रखनी पड़ेगी पेपर के लिए, 5a 3 माइनस 3b माइनस 2c निकालना है, तो 5a माइनस के 3 यहां पर लिख देता हूं एंड माइनस के 2c यहां पर लिख देता हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ये a का एलिमेंट जो है वो कट जाएगा, a का दी ऑप्शन कट जाएगी, 5 प्लस 3 8 बनेगा, तो ये ऑप्शन कट गई, यहां पर माइनस 8 है। नेक्स्ट है यहां पर अलग एलिमेंट देख लो कौन सा है, तो वो अलग एलिमेंट है इन दोनों में से देखो, ये यहां पर माइनस 20 है, यहां पर 20 है, तो यहां से ही क्लैरिटी हो जाती है। और यहां पर 7 है, तो एक ही एलिमेंट और निकालना है, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 3 इंटू माइनस 22, तो देन प्लस के 22, तो माइनस के 20 आना है, ये भी ऑप्शन कट गई अपने आप, ये भी कट गई, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट,
हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी स्पीड हमें रखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, अगर ध्यान से देखो, रो के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें क्या है, अगर आप समझोगे तो इसमें है हमारे पास ओनली ई टू, ठीक है, ओनली ई टू है। चलो जी, अगर मैं स्क्वायर फाइंड करता हूं, बट यहां पर कुछ और फाइंड करना है। चलो ये ए इंटू आइडेंटिटी का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट में ए ऐड करना है, ठीक है जी। बी इंटू ए का मतलब ए में बी मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर बी आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट में ए ऐड करोगे तो यहां पर ए, यहां पर ए। इट मींस मेरे पास आ गई जो मैंने मैट्रिक्स शॉर्टकट में बताई थी ना आपको, ए बी ए जीरो, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। तो वो तो हमें इजीली आता है, वो कैसे किया था, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यहां पर टू ए एंड बी बीच में आ जाएगा, है ना, पावर एक कम हो जानी है। इसको अगर अलग से देखें तो ये क्या है, अगर डायगोनल में एलिमेंट ऐड हुए हैं, इट मींस प्लस के ए स्क्वायर आइडेंटिटी है बीच में, प्लस के ए स्क्वायर आइडेंटिटी है। और ए में अगर एलिमेंट, यहां पर देखना, यहां पर देखो, ए में अगर एलिमेंट ऐड हुआ है तो इट मींस वो यहां पर जो मल्टीप्लाई है वही है, तो टू ए बी ए में मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन, इसकी राइट ऑप्शन आ रही है। ए में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बनेगा, है ना, ए बी करेंगे तब भी नहीं बनेगा, ये वाली मैट्रिक्स जो न्यू बनी है, तो यही है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। और बेटा एक बात ध्यान रखना, पेपर में सिर्फ और सिर्फ मेथड ही काम करेगा, आपको ट्रिक्स भी साथ में सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज पेपर नहीं होगा। डेफिनेशंस जो हैं वो आपके माइंड में छपी होनी चाहिए, किसकी क्या डेफिनेशन है, मैट्रिक्स की जितनी भी, अभी मैं पूछ ले लूं आपको, निलपोटेंट मैट्रिक्स याद है, निलपोटेंट मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसकी कोई एक पर्टिकुलर पावर, कोई एक के ऐसा एग्जिस्ट करे जो उसको नील बना दे, मतलब जीरो बना दे। इनवोलेटरी मैट्रिक्स याद है, इनवोलेटरी क्या था, स्पेलिंग नहीं आते मुझे। चलो जी, इसका पता है आपको क्या था, इसका था अगर किसी का स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाए तो वो इनवोलेटरी होता है। इट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स याद है, इट इम्पोर्टेंट जिसका स्क्वायर करें इट सेल्फ एलिमेंट आ जाए। तो ये जो मैट्रिक्स के डेफिनेशन हैं वो भी आपके माइंड में छपी होनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी जो ट्रिक्स हैं उससे क्वेश्चन हो जाता है, और कभी कभी कोई क्वेश्चन होते हैं जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल टू जीरो है, बी अगर अगर मैं बोल दूं बी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो ए क्या होगा, तो ए डेफिनेटली जीरो होगा, बी इनवर्स अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कैंसलेशन लॉ से ये हो हट जाएगा और ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम करेंगे नेक्स्ट जो है, इसके भी 100 तक क्वेश्चन जरूर करेंगे, 100 तक क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।